messages. There is a meaning of history. If you see the word history, so see, story is a part of it. His story. तो क्यों पढ़े स्टोरी? अब जैसे बचपन में हमने कहानी पढ़ी कि एक आदमी था, उसके पास मुर्गी थी, मुर्गी सोने का अंडा देती थी। उसने सोचा काट डाल। हर स्टोरी एक मैसेज दे रही है। इसलिए हमने क्या किया, इंडियंस ने, हमने अपनी फिलॉसफी को भी स्टोरी में बदल दिया। लोगों ने क्या किया, उस स्टोरी के पात्रों की पूजा करनी शुरू कर दी। हिंदुस्तान क्यों बर्बाद हुआ? बिकॉज बर्बादी जब भी होगी सिर्फ एक वजह होगी कि कोई आपको सही बात समझा नहीं पा रहा। हम क्यों जातिवादी हो गए? जातिवाद जो वाद बना, वाद कास्टिज्म जिसको हम बोलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द रॉन्ग टीचर्स प्रेजेंट इन द सोसाइटी। तुमको डेंगू हो गया, तुम मरने जा रहे, और तुम हिंदू और ब्लड से दो मुसलमान दे सकते हैं, नहीं लोगे? किसी को हॉस्पिटल में हिंदू मुसलमान मांगते देगा? नहीं, क्योंकि वहां जान अटकी हुई है। पंडित जी लेटे हैं मरने वाले हैं और कोई दलित आ गया कि भैया आधा लीवर मेरा ले, तो पंडित जी मना करेंगे? हमको समझाने वाले जो थे वो गड़बड़ हो गए, बस वहीं पर हम खत्म हो गए। जब हमारा समझाने वाला सही था बुद्ध, इस देश को लोग मिले बुद्ध, उसने हर बात को ढंग से समझाया कि जो तलवार चला ले वो क्षत्रिय, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण। उसने वर्ण सिस्टम का विरोध नहीं किया, बुद्धा Buddha, he was not against Varna system. He said Varna system should be based on karma. And that is a genuine thing of Buddha, Varna system. Ab hamare desh mein kya hai? Jaise kal maine post dala tha apne Facebook pe, dekha hoga, maine kaha ki hamare maa baap jo hai, ab jab bachcha paida hota hai to do cheeze hoti hai, ek to uska physical health, ek uska mental health. एक होता है एक्स फैक्टर। ये एक्स तो खैर अभी उस पर हम जा ही नहीं सकते, एक्स पे, दिस एक्स इज कॉल्ड एज कॉन्शियस, इसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप क्या करते हैं बचपन से, सबसे ज्यादा ध्यान इस पे देते हैं, इसको दूध पिलाओ, इसको बादाम पिलाओ, और अगर वो ना पिए तो उसको डराते हैं, दूध नहीं पियोगे साधु उठा ले जाए, दूध नहीं पियोगे तुम्हें बिल्ली काट ले। अब तुमने बचपन से उस आदमी का दिमाग में डर डाल दिया, इसलिए दूध के लिए। अब जब वो बड़ा हुआ और जब उसको बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो तुम सोचते हो उसके पास हिम्मत है? तुमने एक छोटी सी चीज के चक्कर में उसके मन मन में, तो हमारे परिवार में लोग देखते ही थे, तुम अपने बच्चे से क्यों कहते हो कि हम दलित हैं? ब्राह्मण को भी नहीं कहना चाहिए। मेरा तो यही लक्ष्य था ना कि मैं जिस घर में पैदा हुआ, माँ बाप मेरे कलंदर, उन्होंने कभी हमसे कहा नहीं। स्कूल था मिशन में, सिस्टर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह, उन्होंने कभी हमसे स्कूल में कहा नहीं। हम तो जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे, इलेक्शन हुआ, तब मुझे पता चला कि हम ब्राह्मण हैं। तब उस वक्त जब हम ग्रो कर गए, फिर वो चीज अंदर चीजें बचपन में ही जाती है। आप अपने बच्चे को बचपन से कहते हो हम जाने थे, कॉन्स्पिरेसी है अपर कास्ट की। अपने बच्चों, उसके मन में आप एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डाल रहे हो सर,
किसी भी व्यक्ति को अपने बच्चे से ये नहीं कहना चाहिए कि हम दलित हैं, कहना ही नहीं चाहिए। वो जब भी बड़ा होगा ना, और जैसे उसके सामने किसी और आदमी को क्लिक कर जाएगा, उसमें दलित है, इट्स अ रॉन्ग थिंग, इट शुड बी एलिमिनेटेड इन द सोसाइटी। आईएएस है, आईपीएस है, कुछ भी है, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, इट्स बेसिकली अ कॉन्स्पिरेसी टू इन्फ्यूज इन्फीरियोरिटी राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। आप नहीं सोचते इन बातों को, ये अब एक शब्द है पढ़ाई, टू स्टडी, और दूसरा शब्द है क्या, 98% लोग पढ़ते हैं इसको ले ही नहीं पाते, और यूपीएससी इसको पूछता है, ज्ञान मतलब आपने क्या सीखा। जैसे आपने अलाउद्दीन के वीडियो देखा तो आपने यह सीखा कि कम सैलरी पर भी बड़ी आर्मी मेंटेन की जा सकती है, अगर अगर डे टू डे नेसेसिटी को सब्सिडाइज्ड रेट में सोल्जर को प्रोवाइड कराया जाए। क्या आपने सीखा, ये थी आपकी अचीवमेंट। अलाउद्दीन को रटना आपकी अचीवमेंट नहीं है, getting the point. किस देश शेरशाह को आपने पढ़ा तो उसने तीन काम किए, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन चलना है और अब जैसे बजट आया है। इस देश में डेमोक्रेसी क्यों फेल कर रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मैं शेरशाह पे आ पहुंच गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि the people in this country don't understand economy. तुम अगर यूरोप देखो, voting right has been given to the people step by step. Universal adult franchise Europe में कभी नहीं हुआ। अब economy में चार चीजें हैं। पहली national income, कि आप कमाते कहां से हो, primary sector, secondary sector, tertiary sector, वो यहीं तो पढ़ते हो national income में, GDP, NDP, NNP, GNP, वो इसी का तो पार्ट है। और वो चार वर्ड आपको क्या बताते हैं, योर सोर्स ऑफ इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर ये चार वर्ड आपको समझ में आते हैं ना, तो पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी, रुपया का गिरना, हर चीज आपको समझ में आएगी, कुछ पढ़ना थोड़ी है। दूसरी चीज क्या है, कैपिटलिस्ट का पीरियड है, तो कैपिटलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मनी, फ्लो ऑफ मनी, तो मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, कि पैसा कैसे रोटेट हो रहा है इस कंट्री में, कर कौन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, बैंक्स। व्हाट इज कैपिटलिज्म, रोटेशन ऑफ वेल्थ, Who will rotate banks? तो अगर आज के समय में अगर बैंक कोलैप्स कर जाए, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, पर किसी को हिंदुस्तान में डर लग रहा है नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। और चौथी चीज है बजट, कि हमारी सरकार इन सब चीजों को मैनेज कैसे करती है। मोदी जी को एक वोट ना मिले, अगर हमारे देश के 70% जनता इकोनॉमी समझे ना, तो इसको एक वोट मोदी जी को ना मिले और राहुल गांधी को आधा ना मिले, और अगला जो हमारा प्रधानमंत्री बने वो ये बात समझ जाएगा कि नहीं बॉस, अब जातिवाद की बात मत करना। उसको पता है, इस देश के नेताओं को पता है कि इस देश का 80% आदमी जाहिल है, इसको क्या पता है जीडीपी जीएनपी, इसको तो जय भीम वो समझता है। भीमराव अंबेडकर किसी कम्युनिटी की बपौती थोड़ी है, मेरे घर में फोटो है, ओरिजिनल फोटो है उनकी, ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, जब बार एट लॉ की डिग्री मिली उन्हें, तो वो वाली जो फोटो है ना, जिसके नीचे उनकी डिग्रियां लिखी हुई,
पता है मैंने फोटो अपने घर में क्यों रखी अपने मेज पे, जब मैं उस आदमी की फोटो देखता हूँ ना तो एक अजीब सी फीलिंग आती है मेरे मन में कि लोग क्लास में बैठ के नहीं कंसेंट्रेट हो पाते, ये क्लास के बाहर बैठ के कंसेंट्रेट होता था बस मेरा ब्लड प्रेशर आ गया, बस तुरंत में मोमेंटम में आया था मैं। अगर अगली बार मैं आऊंगा लेकर आऊंगा फोटो, आई विल शो यू। आप उस फोटो को अपने घर में रखो, वो आदमी किसी कम्युनिटी की बकौती नहीं है, उस आदमी इसीलिए इस देश में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी कि मूर्ति जब हम सामने रखते हैं तो हमें हमारा गोल याद आता है। जैसे हमने राम की मूर्ति सामने रखी तो हमारा गोल क्या है, ध्यान। राम को मालिश नहीं करना, इन भिगमंगों ने क्या किया, फिर राम की पूजा करने लगे, लड्डू चढ़ा रहे, फूल चढ़ा रहे। आप लोगों ने राजा राम मोहन रॉय कितनी बार पढ़ा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, पढ़ा ना। लेकिन अगर अभी मैं कह दूं किसी आदमी से कि राजा राम मोहन रॉय ने कि कंट्रीब्यूशन क्या है फिर मॉडर्न इंडिया, तो आप में से कोई ना बता पाए, क्योंकि आपने पढ़ा, आपने सेकंड पिलर पर ध्यान ही नहीं दिया कि आदमी करना क्या चाहता है, इस आदमी का मोटिव क्या है। कैसे, क्या किया उन्होंने, मोनोथिज्म, बिलीफ इन वन गॉड। अब यहीं पर आपका प्री नहीं होगा सर, यहीं पर आपका प्री नहीं होगा, आप लोग क्यों पास से परेशान है। सुबह उठो तो गिनकर 50 बार सांस को यहां तक लाया करो, यहां तक 50 बार, सिर्फ 50, फिर मजा देखना जिंदगी का। एक तो सर सबसे बड़ी जीवन में कई दिन उन्होंने रेस्ट में कुछ नहीं कर दिया, इसीलिए तुम फंस गए आज तक, तुमने पढ़ाई बहुत की, मैं यही तुम्हें इसी बात को तुम्हें कॉन्फिडेंस हूं, मैं पंकज को जानता हूं, पंकज ने इतने बढ़िया बुक्स बनाए, बहुत मेहनत की पंकज, लेकिन दरवाजा खुल नहीं था क्योंकि मेहनत तो बैल नहीं करता है, जंगल का राजा थोड़ी है। अब देखो दिमाग, अब राजा राम मोहन रॉय के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश गुलाम है, देश गुलाम है, गौर करना, बहुत बड़ा बात बता जा रहा, देश गुलाम है, यू ऑल अंडरस्टैंड हिंदी ना, देश गुलाम है और देश बहुत धार्मिक, ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी विरोधाभासी बात है, धार्मिक और गुलाम। कि आपके पास 1,000 करोड़ रुपया है, आपके बच्चे साथ में भीख मांग रहे हैं, कंट्री इज स्लेव एंड कंट्री इज हाइपर रिलीजियस, शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे 40 लीटर, कहीं दारू चढ़ा रहे, क्योंकि रिलीजियस आदमी गुलाम हो ही नहीं सकता, रिलीजियस आदमी गरीब हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब राजा राम मोहन रॉय का क्या करें हैं? तो 1809 में देखना सारी कहानी इसी चार चीज पे घूमती है। 1809 में राजा राम मोहन रॉय रोट अ बुक गिफ्ट टू मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, और इस बुक में उन्होंने ये समझाया कि हाउ द फंडामेंटल फिलोसफीज ऑफ ऑल द रिलीजन आर सेइंग, कुरान उस आदमी ने पढ़ी थी, बाइबल उस आदमी ने ओरिजिनल लैंग्वेज हिब्रू में पढ़ी थी, वेद उस आदमी ने पढ़ी रखा था, उपनिषद उसने पढ़ रखा था,
तो सामने को पता था कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल, मैं बहस नहीं करता किसी से, लेकिन अगर कोई बैठ जाए मेरे सामने, ना तो कोई मुसलमान मालिक कर रहे हैं रास्ता कि मुझसे बहस करके चल गया, एक समय के बाद आदमी रुक गया, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑल द रिलीजन आर सेम, डिफरेंस कहां है। अब इस्लाम पैदा हुआ सऊदी अरेबिया तो यार मुसलमान पालक नहीं खा पाएगा, है ही नहीं उसके पास, सऊदी अरेबिया डेजर्ट है, जैसे यहां पालक सुन्नत है ऐसे वहां बकरे का गोश्त सुन्नत है, सऊदी का आदमी अपनी डेड बॉडी को वहां की डेड बॉडी को जला ही नहीं सकता, लकड़ी है ही नहीं, डेजर्ट में कहां लकड़ी लाओगे, सऊदी अरेबिया का आदमी पर्दा करेगा औरत आदमी दोनों, बेदुइन के बारे में पढ़ो तो लोकल ट्राइब्स ऑफ सऊदी अरेबिया, और अगर स्वीडन का औरत पर्दा करेगी तो विटामिन डी की कमी मर जाएगी, को ज्यादा से ज्यादा धूप चाहिए, 1809 में इस आदमी ने किताब लिखी गिफ्ट टू मोनोथिज्म। अब इस किताब के सिद्धांतों को लोगों को समझाना था, तो 1814 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया आत्मीय सभा, द गैंग ऑफ फ्रेंडली पीपल, आत्मीय सभा, ठीक। अब सवाल ये उठा, गौर कर कोरिलेट करेगा, आप इस तरह नहीं पढ़ते हैं सर, आप पढ़ते बहुत, आप इसके चेक करो ज्ञान एंड एजुकेशन विदाउट नॉलेज इज यूजलेस, बड़ी अजीब सी चीज है, लोगों को लगता है एजुकेशन नॉलेज आर सेम, एजुकेशन विदाउट नॉलेज, इसीलिए तो आज देश में जाहिल बढ़ गए परशुराम सेना, हम ब्राह्मण है, भीम सेना हम दलित हैं, तो भगत सिंह पागल था, इस देश को आजाद करा के चला गया, उसको पता होता है कि अगर कल ये दलित और ब्राह्मण बन जाएंगे वो भाई साहब लड़ता ही नहीं, कभी वो कभी लड़ता ही नहीं, उसने अपने बाल काट दिया, दाढ़ी काट दी, सिखिज्म छोड़ दिया उसने, वो पागल था आदमी, 28 साल की उम्र में लटक गया, 23। उसको यह पता होता कि इस देश की यह स्थिति होने जा रही है, कहता भाड़ में गया देश, क्योंकि जाहिल पढ़ रहा है, जाहिल कैसे पढ़े, पढ़ा ही उन्होंने, समझा है इनको कुछ भी समझा, इनको कुछ भी समझा, जातिवाद के खिलाफ सबसे पहले नारा किसने लगाया, राजा राम भूट रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ये जन्म से क्या ब्राह्मणी तो है, ईश्वरचंद विद्यासागर दलित बस्ती में जाके बैठते थे उनके पास, इसीलिए उनके उनके घरों ने दरवाजे बंद कर दिए, तुम यहां आओगे पढ़ो आप ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में, दो बार हमला हुआ उस आदमी के ऊपर सिर्फ इस बात पर कि ये दलित के घरों में जाके बैठते हैं उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको कौन क्या कौन सी बात व्हाट्सएप पे भेजी जा रही कि मनुवादी ये हमको वेद नहीं पढ़ने देते थे, और ये जो ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया वो याद नहीं कराओगे, मायावती जी पे जब गेस्ट हाउस में हमला हुआ तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया, अकेले सिंगल हैंडेडली जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई तो मायावती इतना रोई है कोई नहीं बचा पाया, जितने लोग मायावती के साथ थे सब भाग गए, तो अब राजा राम मोहन राय के सामने समस्या ये थी कि हर आधार धर्म में दो चीजें, एक स्टोरी है
और मेरिकल है, तुम कोई पैगंबर उठा लो, जीसस, मोहम्मद, राम, कृष्ण, जो भी, इनके हर आदमी के जीवन में मेरिकल है कि राम ने पत्थर छू लिया तो अहिल्या बाई फिर वो क्या नाम उनका अहिल्या, अहिल्या फिर से औरत बन गई, पत्थर यार कैसे औरत बन जाएगा। जीसस क्राइस्ट ने 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली में खाना खिला दिया, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं यार। तो ये सब कहना क्या चाहते हैं, इसके पीछे कोई मकसद है, और मकसद ये है कि जब आप बहुत खुश होते हैं तब तो आपको भूख नहीं लगती, लॉ है। आप ऐसे क्षणों को याद करिए जब आप बहुत खुशी थे, भूख नहीं लगती नहीं। तो 5,000 लोग जीसस के ऑरा में ऐसे बंद गए कि उसे टच करके चले गए, मैं लोगों ने कहा खा लिया। मैसेज ये है, तो इन्होंने एक दूसरी किताब लिखी 1820 में, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, इन विच ही सेग्रीगेट्स मिरेकल्स एंड फिलोसफीज। क्रिश्चियन मिशनरीज वर वेरी मच एंटी मिरेकल, यू हाउ कैन यू डू दिस, प्रीस्ट ऑफ एनी रिलीजन विल ऑलवेज बी एंग्री विद द सेंटली सेक्शन, हिंदू प्रीस्ट, मुस्लिम प्रीस्ट, क्रिश्चियन प्रीस्ट, when he segregated them and he explained their meaning, the missionaries were very much angry. Percepts of Jesus. So he says that religion should be understood in the light of rationalism, reason. Ab is cheez ko badhava dena hai, to 1825 mein ek naya organization banaya, Brahmo Samaj, the organization of enlightened people. The organization of enlightened people. So what was his two goals of life? First goal, to create unity. And second goal, to promote rationalism. ऐसे बोला था राजा राम मोहन राय को, तुम तो रट रहे। दो ही गोल था उस आदमी का, दैट पर्सन हैज ओनली टू गोल्स, फर्स्ट गोल यूनिटी, कि हम सब एक है यार, वी आर द सन्स ऑफ वन गॉड, यहां कोई ऊंच नीच नहीं है। मैं जिस आश्रम में दिल्ली में जाता हूं, छतरपुर गुरु जी का आश्रम, मैं सिर्फ एक वजह से जाता हूं, वहां लंगर चलता है, तो 4 पीपल विल ईट फूड इन 1 थाली एंड यू कैन नॉट बी ऑफ द सेम फैमिली एंड यू विल नॉट आस्क द नेम ऑफ द अदर पर्सन। गो टू एवर गो टू दिल्ली, गो टू छतरपुर आश्रम, गुरुजी आश्रम, जस्ट से आई वांट टू गो टू गुरुजी आश्रम, देयर इज अ लंगर एवरी डे इन द इवनिंग, 4 पीपल विल सिट एंड ईट इन 1 थाली, प्रमोशन टू व्हाट, और आप सामने वाले का नाम नहीं पूछोगे। इस देश में रिसोर्सेस की कमी है, इस देश में किसी चीज की कमी नहीं। टू गोल्स ऑफ एंड यू गो एंड टेक आउट द अनसॉल्व्ड ऑफ प्रॉब्लम्स, सॉल्व्ड ऑफ प्रॉब्लम्स, सी द क्वेश्चंस ऑफ राजा राम मोहन राय, ऑल द क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड दीज 4 थिंग्स, फिनिश। अब राजा ने बनाया ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज का गोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू गोल ऑफ ब्रह्मो समाज, यूनिटी एंड रेशनैलिटी। बट आफ्टर राजा राम मोहन राय, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन हूम, पर्सनैलिटी। आफ्टर राजा राम मोहन राय, इमीडिएट देयर वाज नो इमीडिएट सक्सेसर, देन कम्स देवेंद्र नाथ टैगोर,
मुसलमानों को राधे राम मोहन राय की जरूरत है क्योंकि गुलाम है और धार्मिक है। आज मुसलमानों को राजा राम मोहन राय की जरूरत है। ये शिया सुन्नी महदवी कुर्द सारे मुसलमान बटे हुए। आज मुसलमानों को भी दो चीज चाहिए, यूनिटी एंड रैशनैलिटी। नहीं तो 150 साल से मार खाए और 150 और खाएंगे और कोई बचा ना पाएगा। तो मालिक ने एक बात कही, भाई नहीं तुझको दिमाग मैंने दे दिया, अब मेरे पास मत आना। आना तो शुक्रिया कहने आना कि रात में खाना बहुत अच्छा दिया था तुझे, उसका शुक्रिया था। गाड़ी का कोई शुक्रिया नहीं, पैसे का कोई शुक्रिया। शुक्रिया दो चीज का है, उसका कहना ही चाहिए आराम से, एक खाने का एक नींद का। क्योंकि तुम दोनों ही चीजें किसी भी चीज से खरीद नहीं सकते। मैं परसों पाद मान सिंह में बैठा था, कारण है तुम मालिक तुम्हारे साथ एक साथ बैठे। अरे बोले इसमें कौन से धन्यवाद करने के लिए, इडियट कभी डॉक्टर बना करते खाना नहीं खाना फिर क्या करोगे। सिर्फ दो ही चीज कीमती है दुनिया में, खाना और सोना। तुम ऑडी खरीद लो, बीएमडब्ल्यू खरीद लो, मर्सिडीज खरीद लो, नींद कैसे खरीदोगे? नहीं आ रही तो नहीं आ रही। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसमें से एक चीज है नींद। कभी कभी देखो जब तुम्हें नहीं आती ना, तुम पैर पटक के रह जाते हो, नहीं आती मतलब नहीं आती, कर लो जो करना है। नींद तो ला नहीं पाते और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो, 10 साल में ये कर लेंगे, दुनिया कब्जा कर लेंगे, ये उखाड़ लेंगे, मकान बनवा लेंगे। एक छोटी सी चीज नहीं ला पाते हो, नींद। आदमी को अगर उसकी औकात दिखाई जाए ना भाई साहब, सीधा खड़ा हो जाए। मेरे दोस्त ने पॉलिटी पढ़ाते देखी थी, वो ईश्वर को नहीं मानते। तुमसे बार बार कहें अरे हो जाती है, आप जो है पागल बनाते, तो कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है। सो गए थे रात में 2:30 बजे, मैंने उठा दिया, कहा आग लग गई, आग लग गई, खड़े होकर बैठ गए, भागे तो। अब जब आप किसी से कहते हो सोते वक्त आग लग गई या शाम घुस गया, तो उसकी नींद टूट जाती है। बाहर आए कहा, हमने कहीं नहीं। उसके बाद वो रात भर सोई, हमने कल ला के दिखा नींद। हमने कहा तुम आज नींद ला के दिखा दो, कल से तुम्हारे घर में बुलाओ, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम ले आओ, क्योंकि वो उसके हाथ में है। गिफ्ट देता ना, उसको भी अपने बंदों को प्रूव करना होता ना कि नहीं यशो गया पता का सड़क पे खड़ा यशो गए। जो लोग तुम मस्त है उनको देखो सड़क पे खड़े होकर सो गए, सड़क पे खड़े दोनों वही मार ली, ट्रेन में बैठे सो गए, पिक्चर हॉल में बैठे सो गए। गिफ्ट है। तो अब क्या हुआ कि जब अब दौड़ करना, अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा गोल यूनिटी एंड रैशनैलिटी, तो हम उसे खो तो सकते नहीं थे। पर इमीडिएट कोई अच्छा सक्सेसर नहीं था, देयर वाज नो इमीडिएट सक्सेसर ऑफ राजा राम मोहन राय। एंड देन कम्स देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर